आप जानते हैं कि आखिर अक्षय कुमार की वो कौन सी फिल्म है जो कि बिना क्लाइमेक्स के रिलीज हुई थी? अगर नहीं जानते तो चलिए कोई बात नहीं, आपको बताऊंगी इस वीडियो में उस फिल्म का नाम और किस वजह से बिना क्लाइमेक्स के रिलीज किया गया था उस फिल्म को। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाइन। देखा जाए तो फिल्में जो होती हैं वो बिना क्लाइमेक्स के तो अधूरी होती हैं, चाहे हैप्पी हो, चाहे यू नो सैड हो, ट्रेजिक हो, जो भी हो, लेकिन एंडिंग तो होनी चाहिए, तभी पता चलता है कि फिल्म का कंक्लूजन क्या है। और ऑडियंस बेसब्री से जब फिल्म देखना शुरू करती है तो क्लाइमेक्स का बेसब्री से इंतजार करती है। और ऐसी फिल्म जो कि बिना क्लाइमेक्स के रिलीज हुई थी, वो भी अक्षय कुमार की फिल्म, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि करण जौहर के एक शो में यानी कि कॉफी विद करण में अक्षय कुमार ने खुद रिवील किया था कि उनकी एक फिल्म जो कि जिसका नाम था मेरी बीवी का जवाब नहीं, श्रीदेवी जी के साथ उन्होंने ये फिल्म की थी और इस फिल्म को बिना क्लाइमेक्स के रिलीज किया गया था। 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को 10 साल लग गया था रिलीज होने में, जबकि 1994 में ये फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी और कहीं ना कहीं कुछ सीन्स बाकी थे, लेकिन इस फिल्म को इतना डिले किया गया जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत लेट रिलीज होती है और साथ ही साथ जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है वो कहीं गायब हो जाता है और जिसकी वजह से फंड्स नहीं होते हैं और जो क्लाइमेक्स होता है वो शूट नहीं हो पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार ने बताया था कि जो फिल्म की एंडिंग होती है वो इस तरह से होती है कि जो श्रीदेवी जी का कैरेक्टर होता है और अक्षय कुमार का कैरेक्टर होता है वो लास्ट में हाथ पकड़ के बोलता है कि हम बदला लेंगे, और फिर बाद में स्क्रीन पर एक नोट लिखा हुआ आता है जहां पे ये लिखा रहता है कि और फिर दोनों ने मिलके बदला लिया। और ऑब्वियसली ऑडियंस तो जानना चाहेगी किस तरीके से बदला लिया, क्या हुआ, लेकिन नहीं, इस तरीके से एक नोट आता है और फिर बाद में उसके बाद अक्षय कुमार और श्रीदेवी जी का एक डांसिंग सॉन्ग आता है, उसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है, जिसके वजह से फिल्म का कुछ कंक्लूजन पता ही नहीं चलता और बिना क्लाइमेक्स के इसको रिलीज किया जाता है क्योंकि बहुत डिले होती है और इतनी मेहनत लगी है और कुछ सीन्स के वजह से यू नो शूट नहीं हो पाता है कंप्लीट, लेकिन फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है। और ये बात खुद अक्षय कुमार ने बताया था करण जौहर के शो में। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपका क्या रिएक्शन है ये सारी बातों पर, मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही डिड यू नो इन्फॉर्मेशन के लिए।